दोस्तों द न्यूज़पीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। मोदी सरकार ने संसद में ये दावा किया है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स की यानी हाथ से मैला ढोने वालों की पिछले 5 साल में एक भी मृत्यु नहीं हुई, उनकी मुश्किलों को ऐसे मिटाया जा रहा है सरकारी तौर पर, वो भी संसद में। सरकार का डेटा और सरकार की पिछली स्टेटमेंट खुद दिखाती है कि ये सरासर झूठ है। सरकार डेटा के जरिए हाथ से मैला ढोने वालों की जिंदगी के साथ दोहरा खेल खेल रही है। इसी साल बजट सत्र में सरकार ने कहा था कि 5 साल में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 340 लोगों की मौत हुई है। सीधा सीधा झूठ संसद में, वो भी आंकड़े बदल कर दिखा देना कि कुछ गलत हुआ ही नहीं कभी, सरकार ने सब अच्छा किया। 2021 में भी इस हाथ से मैला ढोने की प्रथा का चलना ही वर्चस्ववादियों की रूढ़िवादी मानसिकता दर्शाता है हमारे समाज में। पिछले कुछ दिन पहले ही सरकार ने संसद में ये भी कहा था कि कोविड महामारी के चलते ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु हुई ही नहीं, जबकि हम सबको पता है, हम सब ने देखा कि अप्रैल मई में देश में ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हुई थी और सैकड़ों लोगों की जान गई। संसद में बहुमत होने का ऐसा गलत फायदा उठा रही है जैसे कि सरकार गांधी के 3 बंदर जैसी हो गई हो, कुछ देखा ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। एक्टिविस्ट का कहना है कि इस गंभीर मुद्दे पर सरकार की गेम ऐसी है कि हाथ से मैला ढोने से होने वाली मृत्यु और सीवरों की सफाई के दौरान हुई मौतों के बीच अंतर किया जाता है, तो केवल उनकी मृत्यु का आंकड़ा बताया जाता है जो सीवर और सेप्टिक टैंक साफ करने से हुई। साथ में ये भी उनका कहना है कि 2013 का हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्निवास अधिनियम में कई ऐसी दरारें रखी थी सरकार ने, जिससे हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्तियों की मृत्यु को कम रिपोर्ट किया जाता है, जैसे कि मैला ढोने की प्रथा या सीवर और टैंक साफ करने की प्रथा को कभी पूरी तरह बैन किया ही नहीं गया। यदि नियोक्ता उचित कपड़े, गेयर और सुरक्षित किट को प्रदान करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती इस एक्ट में, और 2013 के कानून के बावजूद इसके अंतर्गत किसी को भी कर्मचारियों की मृत्यु के लिए सजा नहीं मिली, किसी नियोक्ता को आज तक इस एक्ट में सजा नहीं मिली है। मोदी सरकार का स्वच्छ भारत अभियान एक कंप्लीट फेलियर है। सरकार इस प्रथा को ख़त्म करके पूरी तरह इसमें मशीनीकरण करने का सोच रही थी, पर अब ऐसा नहीं लग रहा कि वो इस कानून को जल्दी लाएगी। मशीनीकरण करना तो ज़रूरी है ही, पर यह बेहद ही क्रूर बात है कि आज भी ये कार्य जाति से जुड़ा है। जब तक वर्चस्वधारी जातियों को ये काम करने के लिए नहीं कहा जाएगा, इसमें सुधार नहीं होगा। ऐसा क्यों है कि दलित समाज से ही लोग आज भी इस काम को करते हैं? जातियों के नाम पे ये काम हज़ारों सालों से तो हो ही रहा था, पर अब आज़ाद भारत में भी इतने साल हो गए, इतने दशक हो गए, फिर भी ये काम चल रहा है। इसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठाई जा रही है, पर स्वच्छ भारत हो या मोदी सरकार का कोई भी प्रोग्राम हो या उससे पहले किसी भी सरकार ने कुछ भी कार्य किया हो, वो सफल नहीं हो रहा। अब देखिए, सफल छोड़िए, बैन छोड़िए, उनकी मृत्यु भी काउंट नहीं करी जा रही, उनकी मृत्यु को भी मिटाया जा रहा है ताकि इस पर काम ही ना करना पड़े सरकार को। तो सरकार ऐसी दोहरी गेम खेल रही है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसके बारे में सबको अवगत कराइए ताकि सबको पता चले और सरकार पे दबाव डाला जा सके अपनी स्टेटमेंट को संसद में बदलने का। साथ में हमारे चैनल द न्यूज़ बीक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। जैसे हम कोई महत्वपूर्ण वीडियो करें, आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाए। आप द न्यूज़ बीक को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए, हम वहाँ भी सक्रिय रहते हैं। शुक्रिया।